काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के तहत आज त्रिवेणी संगम पर तमिल पर्यटकों का 197 लोगों का जत्था प्रयागराज संगम तट पर पहुंचा, जहां पर प्रयागराज जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष गणेश केशरवानी के द्वारा उनका स्वागत किया गया। प्रयागराज पहुंचने पर वीआईपी घाट और पर ट्रेडर्स और प्रोफेशनल्स के साथ प्रयागराज के वकीलों और डॉक्टरों से मुलाकात की और एक दूसरे से अपने अनुभव साझा किए। बाद में सभी तमिल पर्यटकों को नाव के द्वारा त्रिवेणी दर्शन और स्नान कराया गया। काशी तमिल संगम कार्यक्रम के तहत आए इस दल ने बताया कि ये कार्यक्रम अपने आप में अनोखा है और हर व्यक्ति अपने क्षेत्र के बारे में एक दूसरे से अनुभव साझा कर रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा उपलब्ध कराए गए ये मंच निश्चित रूप से प्रोफेशनल को बढ़ावा देने में मदद करेगा। हम लोग ये ग्रुप आया, ग्रुप नंबर 9 है और हम लोग बनारस से इधर आए, प्रयागराज है और इसमें बहुत तरह के लोग हैं, कई कैटेगरी इसमें, कोई लॉ से है, कोई प्रोफेशनल है, कोई बिजनेसमैन, इस तरह के लोग हैं। Excellent arrangements by the district administration in Allahabad. We had excellent arrangements made by the Varanasi administration in as well. Ek Bharat, Shrestha Bharat. Nice slogan hai ye. And Kashi aur Kanchi Rameshwaram ka bahut badhiya link hai. It's a very, very, very wonderful experience. The Kashi Tamil Sangamam, the great Modi ji, the great work, the great what I say, no less words. ये काशी तमिल संगम ये बढ़िया प्रोजेक्ट है, हमको इतना खुशी महसूस हो रही है यहाँ पे इसके सबको देखने के लिए, जो प्यार हमको मिल रहा है सभी से, वो लोकल वाला, वो काशी वालों से, अभी हम प्रयाग राज वालों से बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। वो सिक्योरिटी वालों को हम धन्यवाद देने चाहते हैं, सभी ऑल क्रेडिट गोज टू मोदी जी, उसके अलावा ये प्रोग्राम नहीं हो सकता है। थैंक यू सो मच। जय भारत, वंदे मातरम, जब भारत माता की जय।